पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा, पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा समेत चार को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वर्ष 2021 में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, इनके पति बिजनेसमैन तथा फिल्म निर्माता राज कुंद्रा, इनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी यानी सेक्सुअल कंटेंट बनाने का केस दर्ज किया था। इनके साथ साथ उमेश कामत को भी इसमें अभियुक्त बनाया गया था। अभिनेत्रियों में पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा, इनका नाम खास करके आगे था। वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच की। जांच करने के बाद इसमें पहले राज कुंद्रा गिरफ्तार भी हुए थे और जमानत पर भी रिहा हुए थे, लेकिन क्राइम ब्रांच में जांच जाने के बाद इसकी दोबारा जांच हुई और चार्जशीट दायर की गई, जिसके आधार पर राज कुंद्रा सुप्रीम कोर्ट गए थे, साथ ही पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा और उमेश कामत भी। वहीं मंगलवार 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागरत्ना, इनकी बेंच के सामने सुनवाई पूरी होने के बाद जजेस ने कहा कि आरोपियों को अग्रिम जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है, उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और पुलिस के साथ जो है पूरी तरह से सहयोग करना होगा। बहरहाल राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी के पति, पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा और उमेश कामत, इन चारों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देना उनके लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेक्सुअल कंटेंट स्ट्रीम करना यानी पोर्नोग्राफी बनाना, ऐसा आरोप लगा करके ये पूरा मामला दर्ज कर मुंबई पुलिस ने इन चारों पर कानूनी कार्रवाई करना शुरू की।